वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। टुडे इज योर 13th वीडियो लेक्चर ऑन वेजिटेबल गार्डनिंग। वेजिटेबल गार्डनिंग पे आज आपका 30वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें आपने देखा होगा जो हमारे आसपास किचन गार्डन्स होते हैं, ट्रक गार्डन्स होते हैं, मार्केट गार्डनिंग होती है। तो एक तरीके से 7 से 8 भागों में वेजिटेबल गार्डनिंग को डिवाइड किया गया है। जैसा कि डे आफ्टर यस्टरडे और यस्टरडे मैंने आपके फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर में पीपीटी को अपलोड किया था, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। तो वेजिटेबल गार्डनिंग के इम्पॉर्टेंस के साथ साथ वेजिटेबल गार्डनिंग कितने टाइप्स की होती है उनको भी हमने बताया था, साथ ही साथ क्या इम्पॉर्टेंस होती है वेजिटेबल गार्डनिंग की, उन इम्पॉर्टेंस के साथ साथ किचन गार्डनिंग पर हमने थोड़ा सा जोर दिया था, किचन गार्डनिंग पर। तो इसी रिदम में वेजिटेबल गार्डनिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, और जिसका वॉल्यूम 1 है वेजिटेबल गार्डनिंग के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ वेजिटेबल गार्डनिंग से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पहलू है किचन गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए तो पीपीटी को रन करने से पहले कुछ आउटलाइंस पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन आउटलाइंस पे ही हमको चर्चा करनी है, इन आउटलाइंस में ही हमारा वीडियो जो है ख़त्म होगा। चलिए हम पीपीटी को रन करते हैं कि किस किस आउटलाइंस में हमें इस लेक्चर को ख़त्म करना है। पहला है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो वेजिटेबल्स प्रायः किचन गार्डनिंग या वेजिटेबल गार्डनिंग के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, स्पेशली उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम मार्केट की वेजिटेबल को बाई करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं, तो वो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं हजार्डस होती हैं, क्योंकि उनमें इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, फंजीसाइड्स का। तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना खरा नहीं उतरती, हमारे सेहत के लिए वो इतनी अच्छी नहीं होती। अगर हम वेजिटेबल गार्डनिंग के थ्रू किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, मार्केट गार्डनिंग कर रहे हैं, स्पेशली किचन गार्डनिंग पे इसलिए ज़्यादा वो जोर दे रहा हूँ कि किचन गार्डनिंग से जो वेजिटेबल हमको मिलती है वो हमारे हाथों से की हुई होती है, उसकी आफ्टर केयर, उसकी देख रेख हम खुद करते हैं, कब क्या चीज़ें करनी हैं, कैसे सॉइल का सिलेक्शन करना है, कौन कौन सी वेराइटीज़ हमें उसमें लगानी है, इसके साथ साथ सॉइल का क्या पीएच होना चाहिए, कौन से वेराइटी को हम यूज़ कर रहे हैं किचन गार्डनिंग में, कितना हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र हम किन किन चीज़ों से दे रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनिक सोर्स से दे रहे हैं कि केमिकल सोर्स से दे रहे हैं। अगर हम केमिकल सोर्स से भी देते हैं तो उस फर्टिलाइज़र को देते हैं जो टॉक्सिक नहीं होता, तो वो एक तरीके से हम पूरा डिसाइड कर चुके होते हैं कि वेजिटेबल को जब हम खाएंगे या हम एज अ बाई प्रोडक्ट उसको यूज़ में लेंगे तो वो हमारे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी होगी। फिर दूसरी चीज़ है वाई किचन गार्डन। अच्छा, किचन गार्डन क्यों, अगर हम किचन गार्डनिंग करते हैं तो किचन गार्डनिंग को करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या नीड है किचन गार्डन को करने की, इसके बारे में बात की जाएगी। इसमें आपको ये भी बता दिया जाएगा कि किचन गार्डन होता क्या है, किचन गार्डनिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, किचन गार्डन के लिए कैसा एरिया होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ साइट क्या होनी चाहिए, कौन कौन से प्लांट्स किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल होते हैं, उन सब चीज़ों को भी आपको बता दिया जाएगा। फिर है आपका इम्पॉर्टेंस, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ किचन गार्डनिंग, किचन गार्डन की इम्पॉर्टेंस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद में है लोकेशन एंड साइट, क्योंकि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसकी लोकेशन और साइट, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि उसकी दिशा एंड दशा कैसी होनी चाहिए जिन पे हमें बात करनी है, क्योंकि किचन गार्डन या वेजिटेबल गार्डनिंग दोनों चीज़ें लोकेशन एंड साइट पर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि अगर हम किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो वो कोई ओपन कंडीशन में नहीं कर रहे हैं जहाँ कोई प्रॉपर लैंड मिला हुआ है और हम वहाँ पूरी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस उसकी कर सकते हैं, फ्री एक्सपोजर है, फ्री एटमोसफेयर है, वहाँ इस तरीके से चीज़ों को नहीं कर सकते। तो दिशा एंड दशा, लोकेशन एंड साइड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किचन गार्डनिंग में। फिर है हमारा लैंड प्रिपरेशन।
भूमि की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है, लैंड प्रिपरेशन में कौन कौन से टिलेज इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं किस तरीके से हमें टिलेज करना है, किस तरीके से हमको सॉइल को जो है प्लान करना है, अंडुलेशन ख़त्म करना है उसका, उसको कैसे फर्टाइल बनाना है, किस तरीके से हमें वो ट्रीटमेंट्स देने हैं, प्री सोइंग ट्रीटमेंट्स जो देने हैं जिससे हम एक तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, जिससे कल को नर्सरी कंडीशंस में या डिजीज़ का या इंसेक्ट का किसी भी तरीके का उसमें इन्फेस्टेशन ना हो जाए, तो इस तरीके से चीज़ों को एक बेहतर पैमाने में बना के लैंड प्रिपरेशन को किया जाता है। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट है हमारा आफ्टर केयर। आफ्टर केयर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि देख रेख कैसे करेंगे उसकी, किचन गार्डनिंग की देख रेख कैसे करेंगे। तो इन बिंदुओं पर काफ़ी गंभीरता के साथ इस पीपीटी को खत्म किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स। सबसे पहले वेजिटेबल्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। वेजिटेबल्स ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर डेली लाइफ, पर्टिकुलरली फॉर वेजिटेरियंस। वेजिटेबल ऑक्यूपाई मतलब जो सब्जियां होती हैं वो ऑक्यूपाई मतलब स्थान रखती हैं एक तरीके से, बहुत एन इम्पॉर्टेंस प्लेस, एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं हमारे दैनिक दिनचर्या में, दैनिक जीवन में, और स्पेशली उन लोगों के जीवन में जो कि पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं उनके डाइट का मेन आपका जो सोर्स है वो वेजिटेबल्स ही है। लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, एक बार उनका दिन बिना सब्जी को खाए रह सकता है, क्योंकि वो मांस मछली अंडा किसी भी तरीके से अपने आहार की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जो शाकाहारी होता है, वो शाकाहारी व्यक्ति एक दिन भी सब्जी के बिना अपने आहार को लेने की नहीं सोचता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वेजिटेबल्स ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर डेली लाइफ, पर्टिकुलरली फॉर वेजिटेरियंस। वेजिटेबल्स आर द ओनली सोर्स टू इंक्रीज नॉट ओनली द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड्स बट आल्सो इट्स पैलेटेबिलिटी। वेजिटेबल्स आर द ओनली सोर्स, केवल एक सोर्स है वेजिटेबल्स टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, नॉट ओनली, केवल द न्यूट्रिटिव वैल्यू, केवल पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए वेजिटेबल्स को हम इस्तेमाल नहीं करते, साथ ही साथ पैलेटेबिलिटी, पचनीयता, जो पैलेटेबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से पाचकता, मतलब डाइजेस्ट होने के लिए भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर अ बैलेंस डाइट, एक सही डाइट के लिए, एन एडल्ट शुड हैव एन इनटेक ऑफ, एक एडल्ट को 85 ग्राम फ्रूट्स की इनटेक करनी चाहिए, 300 ग्राम वेजिटेबल्स की पर डे करनी चाहिए, एज पर द डाइटरी रिकमेंडेशंस ऑफ न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट। जो ये पोषक तत्व के विशेषज्ञ हैं, जो डाइटरी स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि एक स्वस्थ मनुष्य को जिसकी उम्र 16 वर्ष या 18 वर्ष हो चुकी है, उसको 85 ग्राम फ्रूट्स पर डे और 300 ग्राम वेजिटेबल्स पर डे खानी चाहिए। फिर हम बात करेंगे बट द प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। यदि हम प्रेजेंट लेवल की बात करें, जो हमारा उत्पादन है वेजिटेबल्स का इन अवर कंट्री, हमारे देश में कैन परमिट, केवल अलाउ करता है अपर कैपिटा कंजप्शन ऑफ ओनली 120 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स पर डे, वो 120 ग्राम वेजिटेबल्स पर डे ही कंज्यूम कर पाता है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है 300 ग्राम पर डे और हम खाते हैं 120 ग्राम पर डे। ये ऑन एन एवरेज डेटा आपके सामने आया है। तो ये समझिए कि 180 ग्राम से हम आज भी दूर हैं, रिकमेंडेशन है 300 ग्राम की, खाते हैं 120 ग्राम, 180 ग्राम के जो पैमाने से हम दूर हैं। इसीलिए तो हम हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं कि हमको ये गैप कम करना है। हम कैसे गैप को कम करें, हम अपने हॉर्टिकल्चर को किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाएं, कैसे हम ये गैप को मेंटेन करें जो हर एक इंसान के थाली में रोज़ 300 ग्राम वेजिटेबल और 100 ग्राम फ्रूट, 85 ग्राम लिखा है लेकिन हमको 500 ग्राम, हमको और बढ़ा देना है
15 ग्राम 100 ग्राम फ्रूट्स पर डे हम अवेलेबल करा पाए। नेक्स्ट है वाई किचन गार्डन। किचन गार्डन की जरूरत क्यों पड़ी? कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स टू प्रोड्यूस अवर ओन वेजिटेबल्स रिक्वायरमेंट्स इन अवर बैकयार्ड्स यूजिंग द अवेलेबल फ्रेश वाटर एज वेल एज द किचन कॉन्सेप्ट हैज इमर्ज्ड। दिस विल ओनली फैसिलिटेट सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ अवर ओन रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल्स। कल्टिवेशन इन अ स्मॉल एरिया फैसिलिटेट्स द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिजीजेस थ्रू द रिमूवल ऑफ एफेक्टिव पार्ट्स एंड नॉन यूज ऑफ केमिकल्स। फिर नेक्स्ट है आपका, दिस इज अ सेफ प्रैक्टिस विच डज नॉट कॉज टॉक्सिक रेजिड्यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन द वेजिटेबल प्रोड्यूस। तो वाई किचन गार्डन क्यों जरूरत पड़ी? कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल्स की इम्पोर्टेंस के कारण टू प्रोड्यूस अवर ओन वेजिटेबल, हमें अपनी खुद की वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट को अपने बैकयार्ड्स में उगाने के लिए, जिससे हमें फ्रेश वाटर और फ्रेश एयर भी मिलती है, साथ ही साथ जो वेजिटेबल्स के डेली नीड में हमें रिक्वायरमेंट है, हम किचन गार्डन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे घरों में, हमारे घर के बाहर, हमारे घर के साइड में या ऊपर टेरेस पे कुछ जगह इस तरीके की बच जाती है जिसमें हम किसी भी तरीके के कुछ पौधों को उगा सकते हैं, चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हों, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हों, चाहे वो डेकोरेटिव हों, चाहे वो वेजिटेबल क्रॉप हो, जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं जिनका गेस्टेशन पीरियड 2 से 3-4 महीने या 5 महीने में ख़त्म हो जाता है, उन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स को हम यहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं। दिस विल ओनली फैसिलिटेट सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ अवर ओन रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेजिटेबल, जो हमारी खुद की वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट है, जो हमें वाकई में अच्छा लगता है, उन वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट्स को किचन गार्डन को अडॉप्ट करके हम ईजिली अपना सकते हैं। हमें किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम किसी पर डिपेंड नहीं होते, ठीक है। हमको लगता है कि करियंडर हमको डेली वेजिटेबल में चाहिए, करियंडर हमको चिली डेली वेजिटेबल में चाहिए, हमको रेडिस डेली वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट में चाहिए, हमको पी हमारी डेली वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट में चाहिए, हमको पंपकिन, बोटल गार्ड, बिटर गार्ड, एस गार्ड, कुकुरबिटेसियस, कोई भी आप उठा लो, हम किचन गार्डन में सबको कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा इंटरेस्ट है कि पर्टिकुलर इस वेजिटेबल को हमको डेली कंजप्शन में लेना है, हम किचन गार्डन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्टीवेशन इन अ स्मॉल एरिया फैसिलिटेट द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिजीज थ्रू द रिमूवल ऑफ एफेक्टिव पार्ट एंड नॉन यूज ऑफ केमिकल्स। इससे क्या है कि स्मॉल एरिया में हम पेस्ट एंड डिजीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी तरीके से जो हम केमिकल के थ्रू वीड मैनेजमेंट, इंसेक्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट करते हैं, कम एरिया के कारण हम उसको हाथ से भी यूज अलग कर सकते हैं, इफेक्टिव पार्ट को कट्स कर सकते हैं। हमें कोई इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन है तो हम वहीं प्लांट पे उसको किल कर सकते हैं। दिस इज अ सेफ प्रैक्टिस, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, विच डज नॉट कॉज टॉक्सिक रेजिड्यूज, जिसमें किसी भी तरीके का कोई टॉक्सिक विषाक्त वो नहीं रहता, और पेस्टिसाइड इन द वेजिटेबल प्रोड्यूस। इंपॉर्टेंस ऑफ किचन गार्डन इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज़ में किचन गार्डन की क्या नीड है? इन योर बैकयार्ड, हमारे घर के आसपास किचन गार्डन इज़ नथिंग बट ग्रोइंग वेजिटेबल्स। किचन गार्डन कुछ भी नहीं है, वेजिटेबल्स को उगाने की एक कला है। किचन गार्डनिंग इज़ अ फन एक्टिविटी दैट रिड्यूसेस मेंटल स्ट्रेस इन योर बिजी वर्किंग लाइफ। हमारी जो दिन भर की भाग दौड़ या जो थकान होती है, जो हमारा मेंटल स्ट्रेस होता है, तो किचन गार्डन को अडॉप्ट करके हम उस मेंटल स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। होता ये है कि कोई इंसान कहीं ऑफिस से आ रहा है, कहीं किसी भी तरीके से आ रहा है, तो मन में एक अजीब तरीके की बेचैनी और जो अनिद्रा होती है, तो
वो इंसान देखता है कि हमारे बैकयार्ड्स में, हमारे किचन गार्डन्स में कुछ प्लांट लगे हुए हैं जिसमें किसी को पानी चाहिए, जिसमें किसी को ट्रेनिंग चाहिए, किसी को प्रूनिंग चाहिए, कहीं किसी पे डिजीज़ का इन्फेस्टेशन है, कहीं किसी पे इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन है, कहीं किसी को फर्टिलाइज़र चाहिए। तो जब हमको नीड दिखती है प्लांट में, तो वो हमारा जो मेंटल स्ट्रेस होता है, हम कहीं से आते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट को देखते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट ये चाह रहा है, तो हम फौरन उस स्ट्रेस को भूल के उस किचन गार्डनिंग में जो प्लांट लगे हुए होते हैं हम उनकी आफ्टर केयर करने लगते हैं, जिससे जो हमारा स्ट्रेस है वो खत्म हो जाता है डेली लाइफ का और हम उसमें इंडल्स हो जाते हैं और हमको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किचन गार्डनिंग इज अ फन एक्टिविटी दैट रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस इन योर बिजी वर्किंग लाइफ। फिर इट इज अ गुड आउटडोर हैबिट दैट विल स्टिक इन योर लाइफ टाइम। किचन गार्डन शुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज अ बिग इशू इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर हम कोई वेजिटेबल को बाहर से खरीद के लाते हैं देन इज दिस ऑर्गेनिक और नॉट। जो वेजिटेबल हमने मार्केट से परचेस किया उस पर कहाँ ऐसा लिखा है कि ये 100% ऑर्गेनिक है? क्या पता मैंने उसमें ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल किया हो, क्या पता मैंने हजार्डस केमिकल सबस्टांसिस को उसमें डाला हो, क्या पता हमने फंजीसाइड उसमें इस तरीके के डालने हों जिसे कम से कम 15 डेज या 20 डेज तक हमें कंजप्ट नहीं करना है। पर जो फार्मर्स होते हैं, जो ग्रोअर्स होते हैं, जो मिडिलमैन होते हैं, उनको पैसे से मतलब होता है, तो हम उस पर ईजिली ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे किचन गार्डन में कोई भी सब्जी हम पैदा कर रहे हैं, कोई भी वेजिटेबल को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो 100% ये रिलायबल है कि हमने उसमें जो भी फर्टिलाइजर्स, जो भी पेस्टिसाइड, जो भी इंसेक्टिसाइड यूज किया है वो हजार्डस नहीं है। हम 100% ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। यील्ड भले ही कम आएगी लेकिन प्रोडक्ट विद डेफिनेटली 100% ऑर्गेनिक। इट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल वेयर यू कैन सेल टू योर नेबर्स और ऑन द मार्केट सम ऑफ द गुड्स। आप अपने पड़ोसियों में, आप अपने निकट मार्केट में उनको उगा के अगर वो सफिशियंट होती हैं तो आप उनको सेल करके मॉनेटरी रिटर्न भी अपना कर सकते हो, फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो सकते हो और आपका खर्चा बहुत आसानी से चल सकता है। यू कैन ग्रो 100% ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स दैट हैव हाई न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ क्वालिटी। जो चीज़ हम शुरू से बता रहे हैं वही इस पॉइंट में आ गया कि यू कैन ग्रो, आप उगा सकते हैं 100% ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, 100% ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को आप उगा सकते हैं दैट हैव हाई न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ क्वालिटी, जिसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी, जिसके पोषणीय महत्व, जिसका पोषक तत्वों में जो भरपूर रहती है और उसकी क्वालिटी भी बहुत उच्च होती है। हम उन वेजिटेबल्स को किसी भी तरीके से, कोई हजार्डस केमिकल को डाले उनको उगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट्स ऑफ किचन गार्डन एट होम। सबसे पहले फ्रेश एंड हेल्थी वेजिटेबल्स। टुडे टू ग्रो वेजिटेबल्स मैनी फार्मर्स यूज केमिकल। बहुत से फार्मर्स केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स व्हाई वी फेस अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स नाउ इन अ डेज। Everybody is suffering such type of problems that belongs to skin, है ना, cancers, AIDS, nervous system, mental stress, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये कारण निकल के आ रहा है कि आप जो भी पोषक तत्व इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आहार में जो भी सब्जियाँ ले रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट्स वाई वी फेस अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। अवर हेल्थ इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई द टॉक्सिक मटेरियल। जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनसे हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। यू कैन ग्रो 100% ऑर्गेनिक न्यू एंड न्यूट्रिटियस वेजिटेबल्स फॉर योर होल फैमिली विद किचन गार्डन। तो पहला बेनिफिट हमारा जो है वो है फ्रेश एंड हेल्थी वेजिटेबल्स। सेकेंड है क्लीन एयर। एयर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ सिटीज लाइफ बिगेस्ट इशू। एयर पॉल्यूशन सिटी लाइफ का एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज द सिटीज हैव वेरी फ्यूअर ट्रीज। क्योंकि शहरों में आप देखते हैं बहुत कम वृक्ष देखने को मिलते हैं। फ्रेश एंड क्लीन एयर क्वालिटी इज डिटेरियोरेटिंग। जो स्वस्थ और अच्छी हवा है, हवा की क्वालिटी है, वो धीरे धीरे
डिटेरियोरेट हो रही है, उसमें हिरास हो रहा है। हैंस द रेस्क्यू ऑफ दिस किचन गार्डन, किचन गार्डन विल सर्टेनली इंप्रूव योर होम एंड बैकयार्ड एयर क्वालिटी। जब हम किचन गार्डन करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें जो पेड़ पौधे हम इस्तेमाल करते हैं, जो वेजिटेबल्स को हम ग्रो करते हैं, उनसे हमको फ्रेश एयर मिलती है, जिससे हमारा बैकयार्ड और जो पूरी कंडीशन है घर की वो बहुत अच्छी रहती है। योर हेल्थ विल आल्सो इम्प्रूव ओवर टाइम बाई इनहेलिंग दिस फ्रेश एंड क्लीन एयर। कुछ लोगों की हेल्थ का जो इश्यूज होता है, जो मेंटल स्ट्रेस वगैरह से जूझ रहे होते हैं, जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उसके लिए भी किचन गार्डनिंग वाला एरिया बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की जो स्लाइड्स हैं वो सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगी। नमस्कार।